अब आप सोचिए कि ये बाउंड चार्ज आने के कारण इंसुलेटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें क्या असर होगा, उसमें क्या इफेक्ट होगा। सपोज ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मुझे दिया हुआ है और यहाँ पर अभी इंसुलेटर वगैरह कोई मटेरियल नहीं है, सपोज ये वैक्यूम है, तो वैक्यूम में ये ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स बनेंगी और ये 12 इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं। मैं इसको काउंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वाले चैप्टर में बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि जहां भी मैंने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना दिया इसका मतलब ज्यादा इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। डायग्रामेटिकली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दिखानी है तो आप कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ही दिखाते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड जब कोई इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल प्रेजेंट कर दिया तो देखिए क्या हुआ, यहां से तो 12 लाइन्स निकल रही हैं, लेकिन क्या हुआ कि कुछ लाइन्स जो निकली वो इस माइनस चार्ज में आकर अटक गई। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो कुछ लाइन जो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से निकल रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन्स, वो यहाँ यहाँ पे आकर अटक गई। उसके कारण ये हुआ कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम हो गई। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे 12 थी, यहाँ पर आप काउंट कर लें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रह गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर घट रहा है, इसका मतलब अंदर में इंटेंसिटी भी घट रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दिस इंसुलेटिंग मटेरियल वो एक रेशियो होगा ऑफ दिस ओरिजिनल ई नॉट। ई नॉट जो है वो मेरा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो उसे एक रिड्यूस कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं कि ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, और ये के क्या होता है, इसको कहते हैं के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रेशियो होता है कि आपका किस फैक्टर से डायलेक्ट्रिक के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हुआ। पहले सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर था, अभी अगर ये घटकर 6 हो जा रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 10/6 है। तो ये डेफिनेशन होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इट इज द रेशियो by which electric field is reduced within a dielectric material। किस फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिड्यूस हो रहा है, उस फैक्टर का नाम K है जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है। अब आप सोचिए कि K की वैल्यू पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, दिस K हैज टू बी ग्रेटर देन 1 फॉर एनी मटेरियल, क्योंकि वैक्यूम में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है। तो आप कुछ भी मटेरियल यहाँ पे डालिए, एयर डालिए, वाटर डाल दीजिए, कुछ भी डालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वैक्यूम वाले से कम होगा। इसका मतलब के जो है इट हैज टू बी ग्रेटर देन 1, और वैक्यूम के लिए के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 हो जाएगी, क्योंकि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट हो जाएगा। तो वैक्यूम के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट का वैल्यू होता है के इज इक्वल टू 1। एयर के लिए भी इसकी वैल्यू जो है वो 1.0005, मतलब इट इज वेरी वेरी क्लोज टू 1, इसलिए कहते हैं कि एयर जो है इट इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड इंसुलेटिंग मटेरियल। अब आप बताइए कि कोई कंडक्टर है तो उसका डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट क्या होगा, कंडक्टर के अंदर तो पूरा पूरा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया इसका मतलब कंडक्टर का के जो है इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसलिए हाई, वेरी वेरी हाई डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर किसी सब्सटेंस का है इसका मतलब इट इज बिहेविंग एज अ कंडक्टर। उसी को मैंने इस डायग्राम में दिखा है कि अगर ये सपोज कंडक्टिंग मटेरियल है तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, ई इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। तो E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के वाले फॉर्मूले से अगर आप लिखेंगे इसका मतलब कंडक्टर का जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के है दैट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इट इज वेरी वेरी हाई नंबर। तो याद रखिए के जो है वो 1 होता है वैक्यूम के लिए और बाकी हर सब्सटेंस के लिए 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ये कोई नंबर हो सकता है। तो अभी आपने देखा कि इंसुलेटिंग मटेरियल में एक बाउंड चार्ज जो है वो लेफ्ट और राइट एजेस पे आ जाता है और इस बाउंड चार्ज के कारण अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। अब अगर मुझे इस बाउंड चार्ज का वैल्यू फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड किया जाए, मुझे मालूम है कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E क्या है, E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। ई नॉट जो मेरा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड था,
इस प्लस और इस माइनस चार्ज के कारण। इसको मैं दूसरे तरीके से भी एनालाइज कर सकता हूं कि मैं मान लेता हूं कि ये जो पैरेलल प्लेट था जिसमें चार्ज सिग्मा एफ था, उसके कुछ चार्जेस को इस सिग्मा बी ने न्यूट्रलाइज कर दिया। तो आप देखिए, ये सिग्मा एफ और सिग्मा बी वाले एक पूरे प्लेट को मैं एक मान लेता हूं, और उन दोनों को एक मान के अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, ये सिग्मा एफ है और माइनस सिग्मा बी चार्ज है। इन दोनों को मैं अगर एक मानूं तो ये सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस लॉ में आप लोगों ने देखा ही होगा। अब इस दोनों मेथड से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक तो सेम होना चाहिए, तो मैं लिख सकता हूं कि ई नॉट बाई के इज इक्वल टू सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक वो क्या होता है, ई नॉट बाई के होता है। और दूसरे मेथड से मैं इसको लिख सकता हूं कि सिग्मा एफ माइनस सिग्मा बी जो टोटल चार्ज हो गया डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई नॉट मुझे मालूम था क्या था, ई नॉट था क्या था, दिस वॉज इक्वल टू सिग्मा एफ बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के का फैक्टर यहां पे आ गया। तो अब इस रिलेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बी और सिग्मा एफ में एक रिलेशन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट को आप कैंसिल कर दें तो रिलेशन आएगा। तो उस रिलेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिलेशन आ जाएगा कि सिग्मा बी दैट इज द बाउंड चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू वन माइनस वन बाई के, और ये बाउंड चार्ज किसके कारण आ रहा है, वो इस फ्री चार्ज के कारण आ रहा है। इसी फॉर्मूले में देखिए, अगर आपके पास वैक्यूम है तो k इज इक्वल टू वन अगर आप डालेंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा b इज इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्मूले में आप k इज इक्वल टू वन डालें तो इसका मतलब वैक्यूम में तो कोई चार्ज यहाँ पे सिग्मा b हो ही नहीं सकता है, जो नेचुरली होना भी चाहिए वैसा ही। उसी तरह अगर k इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो देखिए क्या होगा, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो सिग्मा b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा f। इसका मतलब अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है, k इज इक्वल टू इन्फिनिटी किसके लिए होता है, कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, तो अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये जो नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा इस पॉजिटिव सिग्मा एफ के बराबर। अब आप इस सिग्मा बी की वैल्यू से ये भी देख सकते हैं कि जो सिग्मा बी है, जो बाउंड चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा इस सिग्मा एफ से कम होगा। ये कभी नहीं हो सकता है कि ये जो सिग्मा एफ है आपका तो प्लस 10 कूलम है और ये माइनस सिग्मा बी वाला जो है आपके पास ये माइनस 20 कूलम यहाँ पर इंड्यूस हो गया, ऐसा कभी क्वेश्चन में नहीं होगा। ऐसा होगा इसका मतलब आप पगला गए हैं। तो सिग्मा बी जो है वो हमेशा इंसुलेटिंग मटेरियल में कुछ भी होगा कम होगा। अगर यहाँ प्लस 10 कूलम है तो यहाँ पे या तो माइनस 5 कूलम होगा या माइनस 4 कूलम होगा, माइनस 9 कूलम होगा, कुछ भी होगा, सिग्मा बी जो इंड्यूस्ड चार्ज है, जो बाउंड चार्ज है, उसका वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड इस सिग्मा एफ से कम होता है। वही आप कंडक्टर के केस में चले जाएं तो k टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो सिग्मा बी का वैल्यू जो है वो सिग्मा एफ के बराबर होता है। कंडक्टर के केस में अगर यहाँ प्लस 10 कूलम चार्ज है तो यहाँ पर भी टोटल माइनस 10 कूलम चार्ज आ जाता है, ये कंडक्टर के केस में होता है। इस इंड्यूस्ड चार्ज या बाउंड चार्ज को मैंने सिग्मा के टर्म्स में लिखा है, इसको अगर आप चाहें तो टोटल क्यू के टर्म्स में लिख सकते हैं, इसको क्यू सिग्मा को आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल चार्ज हो जाएगा, उसको आप लिख सकते हैं क्यू बी दैट इज अ क्यू बाउंड या क्यू इंड्यूस्ड इज इक्वल टू वन माइनस वन बाई के क्यू फ्री। तो अभी तक तो मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सिग्मा चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है उसका वैल्यू फाइंड किया इन टर्म्स ऑफ दिस के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये तो कैपेसिटर का चैप्टर है, तो इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कारण कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसमें क्या इफेक्ट हो रहा है, और उसमें भी इफेक्ट हो रहा है। सपोज आपके पास एक कैपेसिटर है और उसमें इधर क्यू चार्ज है, इधर माइनस क्यू चार्ज है, और ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है। आइसोलेटेड मतलब इसके दोनों जो एंड्स हैं वो हवा में हैंग कर रहे हैं, इसको कहीं से अब एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मिलेगा। तो अगर एक आइसोलेटेड कैपेसिटर है, इसमें क्यू चार्ज है, तो इंसुलेटर के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर रहा है तो दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी क्या हो जाएगा, मुझे मालूम है डेल्टा वी क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो अभी कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा वी जो है वो इनिशियल जो वोल्टेज डिफरेंस था, सपोज इसके बीच में इनिशियल वोल्टेज डिफरेंस था वी, तो अभी जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा डाइलेक्ट्रिक के कारण, सपोज इसका नाम मैं वी प्राइम कर दूं,
तो ये V प्राइम क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई के। और ये क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस होगा। तो इस कैपेसिटर में सपोज पहले चार्ज Q था और दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट था और ये आइसोलेटेड कैपेसिटर है। डाइइलेक्ट्रिक आने के कारण क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका रिड्यूस हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी रिड्यूस होगा, V इक्वल टू V नॉट बाई के है। तो अब कैपेसिटेंस जो नया मुझे पता करना है वो क्या होगा, सोचिए कैपेसिटेंस मुझे मालूम है C इक्वल टू क्या होता है, Q डिवाइडेड बाई V। तो ये क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई V नॉट बाई के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ दैट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू K टाइम्स Q बाई V नॉट। और ये Q बाई V नॉट क्या था, इनिशियल ओरिजिनल कैपेसिटेंस, क्योंकि Q बाई V नॉट को मैं C नॉट लिखता हूँ, दैट इज C नॉट इज इक्वल टू Q बाई V नॉट। ये जो है इनिशियली जो कैपेसिटेंस था इस कैपेसिटर का बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। तो पहले इसका कैपेसिटेंस था Q बाई V नॉट, अब इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया, K टाइम्स Q बाई V नॉट। इसका मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर गया, इट हैज बिकम K टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। तो डाई इलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ, डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस जो नया है C, दिस इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट। जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था इसका Q बाई V नॉट, उससे ये इंक्रीज कर गया। ये जो रिलेशन है C इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट, दैट इज न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K टाइम्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स C नॉट, ये रिलेशन भी बहुत बुक्स में इसको भी डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक डेफिनेशन ही दे देते हैं कि अगर आपने एक डाइइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के बीच में डाला तो आपका कैपेसिटेंस कितना इंक्रीज किया, उस रेशियो को K कहते हैं, उस रेशियो को डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। और ध्यान रखिए ये K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब डाइइलेक्ट्रिक डालने से आपका कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। इसलिए इस डाइइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग इतना क्यों स्टडी कर रहे हैं, इसलिए स्टडी कर रहे हैं कि ये डाइइलेक्ट्रिक डालने से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। और ये कैपेसिटी क्यों इंक्रीज करती है, आप ऐसे भी सोचिए कि जैसे ही ये डाइइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बीच में घुसता है, इसके पास माइनस माइनस चार्ज आ गया, ये जो माइनस चार्ज है ये कुछ पॉजिटिव चार्ज को कैंसल आउट कर देता है। तो इनिशियली सपोज ये कैपेसिटर 10 कूलम चार्ज को होल्ड कर सकता था, जैसे ही ये डाइइलेक्ट्रिक आया तो ये क्या करता है कि 10 में से तो 4 चार्जेस को इसने नेगेटिव चार्ज आया उसको बैलेंस आउट कर दिया। तो इफेक्टिवली अब इन दोनों के पास कितना चार्ज बचा, 6 कूलम चार्ज ही बचा। तो ये तो बोलेगा कि अरे मैं तो बस 6 कूलम चार्ज ही है, मैं तो चाहूं और होल्ड कर सकता हूं। तो इसीलिए इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है। मान लीजिए आपका फ्रेंड है, उसको बस 10 केजी उठाने का कैपेसिटी है, ठीक है, आप क्या करते हैं कि आकर कुछ उसके साथ ऐसा करते हैं कि 10 केजी में से 4 केजी का जो मास है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है आपके फ्रेंड के पास ही लेकिन उसको आपने न्यूट्रलाइज कर दिया, या तो उसमें उसको एक बकेट से नीचे से पानी से उसको ऐसे कर दिया कि उसमें बायोन्सी फोर्स लग रही है, होता है ना कि अगर आपने एक वेट को ऐसे उठा रखा है, अब इसको आप बकेट पानी के अंदर डाल दें तो आपका वेट जो है वो हल्का लगता है, क्यों लगता है कि नीचे से बायोन्सी फोर्स भी लग रही है। इसमें भी लगभग कुछ वैसा ही हो रहा है कि आपकी कैपेसिटी या आपके फ्रेंड की कैपेसिटी है 10 केजी उठाने की, आपने 4 केजी का जो मास है वो न्यूट्रलाइज कर दिया, तो अब क्या हुआ, आपके फ्रेंड के पास तो और अब कैपेसिटी आ गई, बोलेगा हाँ 3-4 के लिए जी और भी ले आओ, मैं अब और उठा सकता हूँ। वही काम यहाँ कैपेसिटेंस में हो रहा है जब ये डाइइलेक्ट्रिक घुसता है। जैसे ही ये डाइइलेक्ट्रिक आता है ये इस तरफ कुछ माइनस चार्ज लेकर आ जाता है, ये माइनस चार्ज इंड्यूस हो रहा है, उसमें बाउंड चार्जेज हैं, ये माइनस चार्जेस जो है वो कुछ पॉजिटिव चार्जेस को कैंसिल आउट कर देते हैं। कुछ चार्जेस को कैंसिल आउट कर दिया, इसका मतलब इस प्लेट की कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई। अब ये बोल सकता है कि हाँ कुछ मेरा पॉजिटिव चार्ज था वो तो खत्म हो गया, इस माइनस ने खा पी कर उसको बराबर कर दिया, तो अब भाई मुझे थोड़ा सा और पॉजिटिव चार्ज दे दो, मैं और इसको होल्ड कर सकता हूँ। तो इसकी चार्ज होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ गई। इसलिए जब भी आप एक इंसुलेटर या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल घुसाएंगे किसी कैपेसिटर में, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करता है, और किस फैक्टर से इंक्रीज करता है, बाय दिस फैक्टर ऑफ के, दैट इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इनिशियली अगर उसका कैपेसिटेंस सी नॉट है तो डाइइलेक्ट्रिक लगाने के बाद उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स सी नॉट हो जाएगा।